भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम शिवराज ने संकल्प बैठक बुलाई। दीपावली के पर्व पर यह संकल्प बैठक बुलाई गई। दोपहर 12 बजे बैठक का आयोजन होगा। तमाम विभागों के अफसर इस दौरान मौजूद रहेंगे। सभी जिलों के कलेक्टर और एसपी भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर है, योजनाओं के सफल क्रियान्वयन पर चर्चा होगी। अफसरों को कई दिशा निर्देश भी सीएम शिवराज देने वाले हैं। तो सीएम शिवराज ने संकल्प बैठक बुलाई है, भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर। तो सीएम शिवराज ने यह संकल्प बैठक बुलाई और शब्बीर अहमद हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। शब्बीर, आज की जो बैठक होगी इसका मुख्य एजेंडा क्या होगा, किस पर चर्चा होगी इस बैठक में? बिल्कुल अभितोष, सबसे पहले तो आपकी दीपावली की शुभकामनाएं और हमारे दर्शकों को भी। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज बैठक बुलाई है और ये बैठक संकल्प बैठक नाम दिया गया इस बैठक का। और बैठक कई मायने में अहम है, दिन भी काफ़ी अहम है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह बैठक बुलाई है। और बैठक के अंदर तमाम वो नुमाइंदे मौजूद रहेंगे जो शासन और प्रशासन के लिए जिम्मेदार हैं, यानी जमीन पर योजनाओं को पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर रहती है। शिवराज कैबिनेट के तमाम मंत्रियों को बुलाया गया है, सब अपने अपने क्षेत्र में है, क्योंकि दीपावली का मौका है तो सभी के सभी वर्चुअल इस कार्यक्रम में इस बैठक के अंदर जुड़ेंगे। इसके अलावा तमाम जितने भी विभाग हैं उसके महत्वपूर्ण अधिकारी मौजूद रहेंगे, कलेक्टर मौजूद रहेंगे, एसपी मौजूद रहेंगे, भोपाल कमिश्नर, इंदौर कमिश्नर भी मौजूद रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर कमिश्नरी लागू है। और इस बैठक के अंदर संकल्प लिया जाएगा कि आने वाले 10 महीने के अंदर किस तरीके से रणनीति बनाई जाए और जनता के जो योजनाएं चल रही है, जन कल्याण योजनाएं चल रही हैं, चाहे केंद्र की योजना हो या राज्य की योजनाएं हो, उसको किस तरीके से प्रभावी तौर पर जमीन पर और अच्छी तरीके से पहुंचाया जाए। क्योंकि ये कह सकते हैं कि इस सरकार का ये आखिरी दीपावली है, क्योंकि अगले साल जब दीपावली आएगी तो अभितोष मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल होगा, आचार संहिता लग जाएगी, क्योंकि अक्टूबर नवंबर के आसपास में अगले साल चुनाव होना है और करीब 10 महीने बचे हैं। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज के दिन यही संदेश देंगे अपने कैबिनेट के मंत्रियों को, अधिकारियों को, कि आप जो काम कर रहे थे उसको आप डबल तेजी से करें, जनता के मुद्दों को उठाएं और उसके साथ साथ जनता के लिए काम करें। और जितनी भी योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं उन योजनाओं को और जमीन पर पहुंचाई जाए, कहीं पर भी किसी भी तरह की कमी पेशी ना रहे। क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब जनता के बीच में जाते हैं तो कई कमियां देखने को मिलती है और उसके बाद वो एक्शन में भी नजर आते हैं। तो आज ये कह सकते हैं कि संकल्प, ये बैठक बुलाई है और आज कई तरह के संकल्प लिए जाएंगे अभितोष, और जिसमें सबसे बाद में एक्शन न लेना पड़े इसलिए पहले ही संकल्प दिलवाया जाएगा अधिकारियों को। यहाँ पर शब्बीर आप बने रहिएगा, शब्बीर हमारे साथ, आपके पास दोबारा लौटते हैं। तो सीएम शिवराज ने एक संकल्प बैठक की बुलाई है, बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक रहने वाली है।